हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं वॉरियर नन सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2020 को रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7 रेटिंग्स मिले हैं। और इस सीरीज में आप एवा और बियाट्रिस के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक नॉर्मल चर्च से, जहां एक सिस्टर एवा की बॉडी को दे जाती है ताकि बाकी का काम उस चर्च से हो। लेकिन फादर जब उस सिस्टर से पूछते हैं कि एवा कैसे मरी, तब वो सिस्टर उनको कुछ भी नहीं बताती है। और तभी चर्च में कुछ नंस आते हैं जिनका लीडर सनन डिवेनियम की वजह से मरने वाली थी। लेकिन मरने से पहले वो मैरी को बोलती है किसी को भी ट्रस्ट ना करने के लिए, और अपना लॉकेट भी उसे देके जाती है। तो एक नन जब सनन के बैग से हेलर निकाल लेती है, तभी उन पर हमला होता है। और हेलर को बूढ़े लोगों से बचाने के लिए वो नन एवा के बैग पर हेलर लगा देती है, जिससे मरी हुई एवा जिंदा हो जाती है। और जो एवा चल नहीं पाती थी, वो अपने पैरों पर खड़ी होती है और चलने भी लगती है। अब क्योंकि वहाँ पर अटैक्स हो रहा था, तो एवा वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रास्ते पे जब उसके एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो बच जाती है और उसके सारे घाव अपने आप भर जाते हैं, तब एवा को ऐसा लगने लगता है कि उसमें कोई सुपर पावर्स आ गई है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल कपड़े बदलने के बाद एवा जब खुद को आईने में देखती है, तब उसे खुद में कुछ भी चेंज नहीं दिखता है। तो कहानी में आगे एक तरफ एवा जब शहर में घूम रही थी, तब दूसरी तरफ फादर विंसेंट उस चर्च में जाते हैं, जहां मैरी उनको बताती है सनन का मर्डर हुआ है और ये सब कोई हादसा नहीं है। तो विंसेंट जब सारे नन से बात कर रहे थे, तभी चर्च का फादर आके उनको बताते हैं हेलर एवा के पास है, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी देर पहले वहां पर ही था लेकिन अब नहीं है। जो सुन के विंसेंट फादर से पूछते हैं वो लड़की कहां से है और उसका नाम क्या है। कहानी में आगे एवा जब अपने रूम में वापस जाती है एक दोस्त से मिलने, तब वो एवा को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक तो एवा चल रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये है एवा जिंदा थी। और उस लड़के से ही हमको पता चलता है कल रात को जब एवा सोई उसके बाद वो उठी ही नहीं, तो एवा मरी कैसे ये उसे भी नहीं पता। तो कहानी में आगे जब वे दोनों वहाँ पर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एवा को ढूंढते हुए फादर विंसेंट आ जाते हैं। लेकिन फादर विंसेंट एवा को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि तब तक एवा वहाँ से भाग चुकी थी। कहानी में आगे एवा खुद को दौड़ते हुए देख के बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर टाउन में जब उसे रेड कलर का कुछ दिखता है, तब उसको फॉलो करते हुए एक बाड़ में पहुँचती है और बाड़ में एक आदमी को गलती से धो देती है। और दूसरी तरफ फादर विंसेंट को सिस्टर से पता चलता है एक कार एक्सीडेंट में एवा की माँ मर गई, और एवा के पापा कौन है ये एवा को नहीं पता था। तो एवा को यहाँ पे भेज दिया गया और उस एक्सीडेंट की वजह से एवा नहीं चल पाती थी। लेकिन जब विंसेंट सिस्टर को पूछता है कि एवा मरी कैसे, तब वो सिस्टर चुप रहती है। और इधर एवा सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो सोएगी तो वो कभी भी उठ नहीं पाएगी। आगे एवा जब स्विमिंग पूल में डूब रही थी, तभी एक लड़का जेसन उसे बचाता है और उसे खाना भी देता है। और जब जेसन के दोस्त एवा को देखते हैं, तब वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आती है। लेकिन जेसन के कहने पर वो सब एवा को वहाँ पर रहने देते हैं। अब क्योंकि एवा को ढूंढने का काम मैरी का था, लेकिन वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा था सनन का मर्डर किसने किया और क्यों। और वैसे भी एवा को ढूंढा इसलिए जा रहा था ताकि उससे हेलर वापस लेके लिलित को दिया जाए, जिससे एवा मर भी सकती थी। और इन सब के लिए मैरी राजी नहीं थी। और फादर विंसेंट इस काम के लिए मैरी के अलावा किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। वैसे मैं बता दूं, ये सारे नंस वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता था मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और ये सारे नंस एक आदमी का बात मानते थे, और वो आदमी और कोई नहीं फादर विंसेंट है। और इन सारे नंस के पास अपनी अपनी खूबी थी। और दूसरी तरफ एवा जेसन को बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो ये रात वो वहाँ पर रहना चाहती है। जो सुन के जेसन एवा को बताता है ये जो बीच हाउस है वो उसका नहीं है, इसका ओनर साल में एक या दो बार ही यहाँ पर आता है और बाकी टाइम ये घर एम्प्टी रहता है। तो जेसन और उसके दोस्त ऐसे जगहों पर जाके कुछ हफ्तों तक रहते हैं और सब कुछ क्लीन करके चले भी जाते हैं, जिससे ओनर को कुछ भी पता नहीं चलता। वैसे मैं बता दूं, एवा जेसन पर फिदा हो चुकी थी, लेकिन एवा कौन है, कहाँ से है, ये सारी सच्चाई वो जेसन को नहीं बताती है। और इधर मैरी याद करती है
सनन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी और मैरी और सनन एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन सनन सबको बचाने के लिए कुछ कर रही थी और वो क्या था इस बात का कोई भी आइडिया मैरी को नहीं था। दूसरी तरफ एवा जब पार्टी में फिर से रेड कलर का कुछ देखती है तब वो उसका पीछा करती है और अचानक से वो रेड कलर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो देख के एवा डर के मारे जल्दी से जेसन के पास आके बोलती है घर ले जाने के लिए। और दूसरी तरफ चार्च में फादर जब सनन की बॉडी को साफ कर रहे थे तभी एक डीमन आके फादर को मार देता है, और वो डीमन जब सनन के बॉडी के साथ कुछ कर रहा था तब एवा की हेलर चमकने लगता है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।